नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्न विथ नरेश पर। छात्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एक अमेरिकन समाजशास्त्री जिसका नाम रॉबर्ट किंग मर्टन है, जिसे हम रॉबर्ट मर्टन के नाम से जानते हैं। छात्रों, रॉबर्ट मर्टन पूर्णतः अमेरिकन बैकग्राउंड के सोशियोलॉजिस्ट थे। इनका जन्म फिलाडेल्फिया में 4 जुलाई 1910 में हुआ था। इन्हें स्नातक की उपाधि ओलिन से मिली। बाद में मर्टन हार्वर्ड विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त करने के लिए चले गए और यहीं पर उन्हें 1936 में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई। 1934 में ही मर्टन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में सहायक नियुक्त हो गए थे, जहां 1936 में उनकी पदोन्नति एक प्रशिक्षक के रूप में हुई। 1939 में मर्टन की नियुक्ति टुलेन विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के रूप में हो गई, जहां एक वर्ष बाद 1940 में प्रोफेसर हुए और 1941 में चेयरमैन का पद प्राप्त हो गया। वहां से वे फिलाडेल्फिया कोलंबिया विश्वविद्यालय चले गए, जहां 1947 में उनकी पदोन्नति प्रोफेसर के रूप में हुई। 1955 में लगभग वे कोलंबिया विश्वविद्यालय के ही ब्यूरो ऑफ एप्लाइड सोशल साइंस के निदेशक बन गए। इसके बाद अपने शिक्षा गुरु पार्सन्स द्वारा अवकाश ग्रहण करने के बाद उनके स्थान पर कार्य करने के लिए वे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी चले गए। वहां से मर्टन अवकाश प्राप्त कर पेनिसिल्वेनिया चले गए। उनकी मृत्यु 23 फरवरी 2003 में हुई। छात्रों, अब चर्चा करते हैं मर्टन की प्रमुख कृतियों पर। मर्टन की सर्वप्रथम रचना है साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी इन 17th सेंचुरी इंग्लैंड, और इनकी अंतिम कृति है द सोशियोलॉजी ऑफ साइंस। मर्टन ने समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने के पक्ष में भी कार्य किया है और समाजशास्त्र को वैज्ञानिक पद्धतियों और विज्ञान का प्रयोग करने का उपागम प्रस्तुत किया। मर्टन की दूसरी कृति है सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, जो 1949 में प्रकाशित हुई, और तब से लेकर अब तक इस पुस्तक में कई सारे संशोधन हुए और कई इसके एडिशन भी आ चुके हैं। मर्टन की यह पुस्तक समाजशास्त्री साहित्य में एक महत्वपूर्ण पुस्तक के रूप में जानी जाती है। इसी पुस्तक में ही मर्टन ने मध्य सीमा का सिद्धांत दिया, जिसे मिडिल रेंज थ्योरी के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ इन्होंने सोशल स्ट्रक्चर और इनोमी, जिन्हें सामाजिक संरचना और नियमहीनता या मानकहीनता के नाम से जानते हैं। मर्टन ने प्रकार्यवाद पर भी बहुत सारे कार्य किए। प्रकार्यवाद को एक वैज्ञानिक धरातल पर प्रस्तुत किया, जिसमें मर्टन ने प्रकट प्रकार्य, अंतर्निहित प्रकार्य, संदर्भ समूह का सिद्धांत, रेफरेंस ग्रुप की थ्योरी, सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज पर भी मर्टन ने कार्य किया और ज्ञान के वृहद विश्लेषण किए। मर्टन की तीसरी कृति है सोशियोलॉजी टुडे प्रॉब्लम एंड पर्सपेक्टिव। इनकी चौथी पुस्तक है रीडर इन ब्यूरोक्रेसी। इनकी पांचवी कृति है द स्टूडेंट फिजिशियन इंट्रोडक्टरी स्टडी इन द सोशियोलॉजी ऑफ मेडिकल एजुकेशन। इनकी अगली कृति है द फ्रीडम टू रीड्स,
प्रस्पेक्टिव एंड प्रोग्राम्स। इनकी अगली कृति है कंटिन्यूज इन सोशल रिसर्च। और इनकी अंतिम कृति है छात्रों, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, द सोशियोलॉजी ऑफ साइंस। तो इस प्रकार से मटन की ये रचनाएं पूर्ण होती है। धन्यवाद छात्रों।